चलिए कुछ अलग तरीके से समझते हैं कि डाली का बहुवचन शब्द क्या होता है और आज के इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में हम अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे। आप बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं ताकि आप डाली शब्द के बहुवचन शब्द को अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए कि जिस शब्द के रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, और वहीं पर हम डाली शब्द के अगर बहुवचन की बात करते हैं तो वह डालियां होगा। यानी दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए कि डाली एक वचन होता है और डाली का बहुवचन शब्द डालियां होता है। यानी दोस्तों डाली का बहुवचन शब्द डालियां होता है और इसे आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि डाली किसे कहते हैं। डाली एक हिंदी शब्द होता है जिसका अर्थ होता है टहनी या फिर शाखा या पौधे का ही एक भाग होता है जिस पर पत्तियां भी लगी होती है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि डाली का बहुवचन क्या होता है। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए कि डाली एक वचन होता है और डाली का बहुवचन शब्द डालियां होता है। यानी दोस्तों डाली शब्द का बहुवचन शब्द डालियां होता है और इसे आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो दोस्तों एक बार आप भी हमारे साथ दोहराइए कि डाली का बहुवचन शब्द डाली होता है, और इसे समझने के लिए आप नीचे दिए गए उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इस पेड़ की यह डाली काफी कमजोर है। इसके अलावा इस पेड़ की सभी डालियां पशु बड़े ही चाव से खाते हैं। इस तरह से दोस्तों आप डाली के बहुवचन शब्द को याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि डाली का बहुवचन क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।